सकती है, लेकिन अब जरा आंकड़ों की बात कर लेते हैं। और ये देखिए, बिहार आंध्र स्पेशल पैकेज मांग रहा है, ये सहयोगी हैं और इनकी डिमांड को दरकिनार नहीं कर सकती है सरकार, क्योंकि इन्हीं के सहयोग से सरकार में है। तो ऐसे में यहां पर आप देखिए बिहार और आंध्र प्रदेश की आखिर यहां पर मांगे क्या है। नायडू की डिमांड सीधे सीधे यहां पर है और इसके साथ ही नीतीश कुमार भी इस निगाह के साथ एक टकटकी लगाकर बैठे होंगे कि उनकी तरफ से जो उम्मीदें जाहिर की गई हैं वो पूरी होती हैं या फिर नहीं। तो दोनों ही सहयोगियों को दरकिनार नहीं कर सकती है सरकार और देखना होगा कि आखिर इस पिटारे से इन्हें क्या मिलता है। संदीप जी, और 50 लाख करोड़ के करीब का बजट है, 1,30,000 करोड़ यमनी यहाँ पर जो सहयोगी हैं और ये इस बार बहुमत नहीं मिला है बीजेपी को अपने दम पर, तो ये मांगे पूरी होंगी, ये दबाव बनाएंगी, फिस्कल प्रूडेंस भी डिसिप्लिन भी मेंटेन करना है, वो एक चुनौती है निर्मला सीतारमण के सामने। चुनौती है क्योंकि इनकी कोशिश रही है कि 6.4% से ये 5.6% पे लेकर आए और 4.5% का तो टारगेट रख दिया है, 4.5% जो वित्तीय घाटा है और जो FRBM है उसके हिसाब से 3% के आसपास होना चाहिए। पर क्योंकि अब ये बहुमत की सरकार नहीं है बीजेपी की और ये कोलिशन की सरकार है तो कोऑपरेट इन्हें करना होगा अपने बाकी के साथियों के साथ, वरना ये सरकार गिर सकती है। तो उसी कारण से बहुत सारा दबाव जरूर बन सकता है इनके ऊपर कि अपने कोलिशन पार्टनर्स को साथ तो लेकर दबाव यहाँ पर ये बना रहेगा। लेकिन दबाव में मैं फिर से आपकी तरफ आना चाहूंगा, एक चीज जो बड़ी आसानी से मिडिल क्लास के लिए की जा सकती है, ये बात अंडरलाइन करने की मैं जरूरत महसूस करता हूँ, 8 करोड़ के करीब लोग रिटर्न फाइल करते हैं पर दरअसल सही मायने में इनकम टैक्स अदा करते हैं सिर्फ 3 करोड़ लोग, तो मतलब वो बकरा किस्तों पर तो नहीं होने चाहिए ना, उनको भी कुछ मिलना चाहिए, कॉर्पोरेट को दे देते हैं टैक्स में रिडक्शन को। देखिए, आप सही बोल रहे हैं, 8 करोड़ 18 लाख लोगों ने 2023-24 असेसमेंट ईयर में रिटर्न फाइल करी है, जिसमें 5 करोड़ लोगों ने नील रिटर्न फाइल करी है जिसमें उन्होंने कोई भी टैक्स नहीं दिया है और 3 करोड़ लोगों ने टैक्स दिया है। अगर सरकार थ्रेशोल्ड लिमिट जो कि 2.5 लाख रुपया है ओल्ड इसकी रजिम में और 3 लाख रुपया है न्यू रजिम में, उसको अगर बढ़ा के 5 लाख कर देती है तो इसका नतीजा ये होगा कि जो SSC जो है सरकार के नेट में वो बहुत कम हो जाएंगे, वो आधे रह जाएंगे। उनको एडमिनिस्टर करना, इनकम एस्केपमेंट हो सकता है तो सरकार ये रिस्क तो नहीं लेगी। तो मेरे को लगता है कि ये थ्रेशोल्ड लिमिट में सरकार कोई चेंज करने वाली नहीं है। एक चीज़ मैं संदीप जी आपको बताना चाहूँगा कि जो MSME सेक्टर है जिस पर हम लोग बार बार जोर दे रहे हैं, देखिए SME सेक्टर जो लीगल एंटिटी अपना बनाता है काम करने के लिए, वो एज ए प्रोप्राइटरशिप बनाता है या पार्टनरशिप बनाता है या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप LLP बनाता है, और तीनों में ही जो टैक्स रेट जो है 30% है। जबकि आप कंपनी बना के काम करते हैं तो आप 25%, 22% या 15%। बड़ी मछली पर ही निगेबानी हो रही है, सारी कृपा वहीं बरसाई जा रही है। MSME सेक्टर में मेरे को लगता है इस बजट में, क्योंकि बार बार मैं हमेशा हर एक बजट में कहता आ रहा हूं कि इस एनोमिलिटी को दूर करना चाहिए और ये तो बड़ी आसान सी चीज है। अश्विनी भाई, आप सवाल उठाते हैं, सरकार को बताते नहीं, बड़ी मछलियों को आप सब कुछ दे देंगे। अरे भाई, असल में देश की रीढ़ की हड्डी ये MSME है, ये छोटे छोटे उद्यमी है। देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हमें MSME को राहत देनी चाहिए, MSME को ज़्यादा इंसेंटिव देने चाहिए, लेकिन जहाँ तक ये बार बार कॉरपोरेट टैक्स को नहीं, कॉरपोरेट विरोधी नहीं है, मैं कह रहा हूँ एक बराबर होना चाहिए ना। पूरी कर लूँ, एक जमाना था 30% टैक्स लगाया जाता था कॉरपोरेट पर और वो बाकी सब एग्जेम्पशंस लेकर के उसको इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स 22% होता था। सरकार ने एग्जेम्पशंस हटा दी सारी की सारी और 22%, ये टैक्स एक्सपर्ट हमसे सहमत होंगे, 22% अब लेकर के आए, यानी कॉरपोरेट पर कोई कृपा बरसाई हो वैसा नहीं है, उनसे सारे इंसेंटिव वापस भी लिए गए हैं। जहाँ तक सवाल ये है कि कॉरपोरेट का और पर्सनल इनकम टैक्स की बराबरी होनी चाहिए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उस दिशा में हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो ये बराबरी, ये लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। पर इसमें एक और बात जो अभिमन्यु कुहाड़ कह रहे थे अभी देवेंद्र भाई, कि 2.5% बजट का कृषि को दिया जाता है, 1,30,000 करोड़, 35,000 करोड़, उसमें 60-70,000 करोड़ तो किसान सम्मान निधि है, तो दरअसल हम कृषि में पैसा कितना लगा रहे हैं, यही अंदाजा था। कोविड में 4% से ऊपर विकास दर दिखाई थी तो हमारी अर्थव्यवस्था कहीं डगमगाई नहीं थी, वो किसानों की वजह से थी।
ये आपने बिल्कुल ठीक कहा और ये बहुत महत्वपूर्ण भी है जानने का। एक बात इसको बिफोर आई एड्रेस दिस पॉइंट, आप देखिए जब सितंबर 2019 में वित्त मंत्री जी ने कॉरपोरेट टैक्स को घटाया था विच वाज रफली 1.45 लाख करोड़ एवरी ईयर, उसी समय पे आपको याद होगा कि किसानों को किसान सम्मान निधि का शुरुआत की गई थी जो कि 500 रुपये पर मंथ है किसान के लिए, वो 6000 रुपये बन जाती है। लेकिन आप देखिए उस 6000 के लिए तो प्रधानमंत्री बटन दबाते हैं हर क्वार्टर में कि सब हमने किसानों को रिलीज कर दिया। हाँ। लेकिन कभी मोटा 60000 करोड़ है सालाना जी, जी, का लेकिन कभी कभी 1.5 लाख करोड़ रुपए का, मेरा कहना है कभी 1.5 लाख करोड़ रुपए का जो साल में उनको एग्जेम्पशन मिलता है उस पे तो कभी बटन नहीं दबाया जाता, 16 लाख करोड़ बट्टे खाते में चले जाते उसका कभी बात है। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि ये दिखाया जाता है कि हमने किसानों के लिए बहुत मदद की है। अगर 500 रुपए पर मंथ इतना बड़ा उसके सपोर्ट है तो आप देख सकते हैं कृषि किस हालात में होगी। तो हमारी प्रायोरिटी प्राथमिकता की जो बात है, और मुझे अभी भी वो जो महिला दैट लेडी इन मुंबई जो उन्होंने बात की थी, रक्षा, चिकित्सा, कृषि और शिक्षा की जो बात कर रहे थे, हमें वो प्रायोरिटाइज करने की जरूरत है क्या? हम शिक्षा पर भी बजट बहुत कम अपना स्पेंडिंग करते हैं, प्रायोरिटी एरियाज हमें आइडेंटिफाई करने होंगे। जनरल साहब, संदीप जी आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अगर हमें विकसित भारत चाहिए तो विकसित भारत के लिए सक्षम और सुदृढ़ भारत भी बहुत जरूरी है, और सक्षम और सुदृढ़ भारत के लिए हम अभी भी एक सबका विकसित हो जाए, हम सब विकसित नहीं होने वाले। नहीं, आप देखिएगा उससे भी हम 2% GDP का खर्च करते हैं, जबकि अगर हमने देख लिया है कि रूस और यूक्रेन में क्या हो गया, इसराइल हमास में क्या हो रहा है, सब देख रहे हैं, तो 2% ऑफ द GDP बहुत कम है, उसको भी हम लोगों को बढ़ाना पड़ेगा। कम से कम मेरे को लगता है 2.5-3% पर हमने सबकी बात की है। एक बात हम करना शायद चूक रहे हैं आपकी इजाजत से जनरल साहब, और रुमाना और शिरीन जैसे लगातार दर्शकों को रिमाइंड कर रही हैं, महिला वित्त मंत्री हैं, 7वीं बार बजट पेश कर रही हैं, पर आधी आबादी का जिक्र बहुत कम होता है। यमुना आधी आबादी के लिए, और देखिए रोजगार की भी हम बात करते हैं, सरकार कहती रहे कि बेरोजगारी 3.2% है। अब जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।